हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन क्लासेस में। और ट्रिग्नोमेट्री के दो तीन क्वेश्चन करते हैं ट्रिकी, जहां स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के बना चुका हूं मैं, सेशन ले चुका हूं, फिर भी कुछ जो जो लगता है कि हाँ कल एग्जाम है और बच्चों को चाहिए, तो एक दो क्वेश्चन है वो करते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कोस थीटा रूट टू गिवन है, और आपको साइन थीटा प्लस कोस थीटा निकालना है। तो इसका डायरेक्ट मेथड है, आप क्या करोगे, पहले यहां पे वन लगाओगे, फिर यहां पर प्लस, फिर वन माइनस स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया, ये ट्रिक होगी और इससे आप आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, हाँ डस्टर ले लेता हूं मैं। यहां पर मुझे गिवन है, यहां पर दिया हुआ है वन बाय टू। अब ये है क्या चीज है, देखो वन प्लस ब्रैकेट में वन लगाया माइनस, स्क्वायर किसका करना है, जो गिवन वैल्यू है। तो 1 बाय 2 का स्क्वायर क्या होता है, 1 बाय 4, और इसका स्क्वायर रूट। तो हाँ, हम देखते हैं थोड़ा सा सॉल्व करके इसके बाद क्या होगा, या फिर अब कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद अगर देखें तो 1 माइनस 1 बाय 4 ये 1 प्लस 3 बाय 4 हो जाएगा इसकी वैल्यू। और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, 4 बन जा 4 प्लस 3 7 बाय 4, रूट 7 बाय 4 यानी रूट 7 बाय 2। तो डायरेक्ट वैल्यू अगर माइनस दिया हुआ है और प्लस निकालना है। अब चलते हैं सेकंड केस की तरफ। हमारा सेकंड केस है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड केस पे चलते हैं। सेकंड केस है हमारा, अब दिया हुआ है आपको, क्योंकि इस टाइम पे वीडियो नेसेसरी है, थोड़ा सा ये बोर्ड रब नहीं हुआ बट वीडियो नेसेसरी आपके लिए। अब दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और आपको निकालना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा निकालना है। ठीक है, इस केस में क्या करेंगे, वही सेम रूट लगाया वन, अब मुझे माइनस निकालना है, तो जो निकालना वो साइन, यहां पर माइनस, और अब ये स्क्वायर पहले आ जाएगा माइनस के वन, ये आंसर आ गया। स्केयर क्या होता है, जो गिवन वैल्यू है उसका स्केयर। तो इसका अगर मैं रूट करूं तो वन माइनस स्केयर किसका, रूट टू का, इस रूट टू का अगर स्केयर करेंगे तो टू और माइनस के वन। तो यहां से अगर मैं चेक करूं, टू माइनस वन वन, और वन माइनस वन जीरो, तो आंसर आया जीरो। इज इट क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट है मेरे पास, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। उसमें दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू रूट टू गिवन है, और आपको फाइंड करना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा फाइंड करना है। तो वही सेम फॉर्मूला, ये कितना दिया हुआ मेरे पास, रूट टू कोस थीटा गिवन है, और आपको फाइंड क्या करना है, आपको ये निकालना है, ये आपको गिवन है। तो वही सेम फॉर्मूला क्या करेंगे, वन मुझे निकालना क्या है, माइनस वाला, तो यहां पे माइनस लगाएंगे और यहां पर स्क्वायर माइनस वन, बस हो गया सोल्व। तो अब यहां से सोल्व करते हैं, स्क्वायर रूट लगाएंगे, वन माइनस रूट टू कोस थीटा, स्क्वायर किसका करना है, जो गिवन वैल्यू है, तो रूट टू कोस थीटा का स्क्वायर क्या होगा, इसका अगर स्क्वायर देखे, रूट टू से ये कैंसिल, कोस स्क्वायर थीटा का ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहां पर टू कोस स्क्वायर थीटा और माइनस के वन, जब ब्रैकेट ओपन करूंगा ये वाली, तो ये अंदर साइन क्या हो जाएगा, प्लस, तो वन प्लस वन टू माइनस टू कोस स्क्वायर थीटा, और उसका रूट, अब यहां से टू कॉमन आ जाएगा, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो टू में साइन स्क्वायर थीटा, ये तो कट गया, रूट टू रह गया, तो रूट टू साइन थीटा आंसर, डायरेक्ट फॉर्मूला। ये स्केयर किसका है, गिवन वैल्यू का। तो अगर आपको साइन थीटा प्लस कोस थीटा दिया हो और आपको माइनस निकालना है, तो ये करना है। याद कैसे रखने है, मैंने आपको बताया था, अगर माइनस की तरफ जाना है तो साइन माइनस, और अगर माइनस दिया प्लस की तरफ जाना है तो साइन प्लस, बस इसको आप माइंड में रखना। ठीक है, थोड़ा सा
अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं। अब आपको गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में, मेरे पास मैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लेता हूं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इजिकल टू रूट टू है, आपको टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा निकालना है। ये क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा दिया, टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा निकालना है। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगी, 2 डिवाइड बाय स्क्वायर माइनस 1। 2 डिवाइड बाय स्क्वायर किसका लिखता हूं मैं, जो गिवन वैल्यू है, तो रूट टू का स्क्वायर और माइनस के 1, तो 2 अपॉन में रूट टू का स्क्वायर 2, 2 माइनस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2। तो मैंने आपको तीन चीजें बताई, कौन कौन सी मैं यहां पर लिख देता हूं। पहला फॉर्मूला, अगर माइनस गिवन हो और प्लस निकालना हो तो यहां पे 1 प्लस 1 माइनस स्क्वायर और उसका स्क्वायर हो। दूसरा, अगर प्लस दिया हो माइनस निकालना हो तो यहां पर माइनस आ जाएगा और ये स्क्वायर पहले, माइनस 1 और उसका स्क्वायर हो। तीसरा, अगर साइन थीटा कोस थीटा दिया हो, टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा निकालना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला 2 डिवाइड बाय स्क्वायर माइनस 1। ये स्क्वायर क्या है, जो गिवन वैल्यू है उसका स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन और है जो बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है, मैं बता देता हूं आपको, ये स्टैंडर्ड सैंपल पेपर में भी आया हुआ है अभी, मेरे को शायद थोड़ा थोड़ा याद है, मैं लिख देता हूं। जैसे कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 3 साइन थीटा कोस थीटा, ये गिवन है और आपको टेंजेंट थीटा निकालना है या आपको कोट थीटा निकालना है, ठीक है। ये भी मैंने ट्रिक से करवाया हुआ है, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की 40 क्वेश्चंस लगभग मैंने सुबह लाइव सेशन लिया है, मेरी मैराथन सीरीज चल रही है 250 क्वेश्चंस की, तो उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री है, सारी ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक कंसेप्ट और लॉजिक से कवर अप की है, वहां पे आपको इसकी भी ट्रिक मिल जाएगी। काफी सारे आप सैंपल पेपर्स में देखोगे, यूट्यूब चैनल पे देखोगे, इसको भी लेंथी वे में किया हुआ है, बट ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखना, बहुत मेहनत की है, हर एक क्वेश्चन विद लॉजिक किया हुआ है वहां पे, ये क्वेश्चन भी ट्रिक से किया हुआ है। आप कमेंट करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में, अभी ट्रायंगल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो है, कुछ कंसेप्ट है वो भी डाल लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।